नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल सीजन 12 का 26वां मुकाबला आज रात 8 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दो बार के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी पिछली हार का बदला चुकता करना चाहेगी। दोनों टीम इस सीजन में जब पहली बार फिरोज शाह कोटला मैदान पर आमने सामने हुई थी तो दिल्ली ने सुपर ओवर में कोलकाता को हराया था। इस मुकाबले में मेजबान कोलकाता का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कोलकाता को अपने घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलने के साथ घरेलू दर्शकों का समर्थन भी मिलने की उम्मीद है। आंकड़ों के लिहाज से भी कोलकाता दिल्ली पर भारी दिखाई दे रहा है। कोलकाता ने इस सीजन में अब तक 6 मैचों में 4 जीते हैं, जबकि 2 में ही उसे हार मिली है। टीम 8 अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है। दूसरी तरफ दिल्ली ने अपने पिछले मुकाबले में जिस तरह से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को 4 विकेट से मात दी है, उससे टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। टीम 6 मैचों में 3 जीत और 3 हार के साथ 6 अंक लेकर 6ठे नंबर पर काबिज है। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता को अपने पिछले मैच में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों 7 विकेट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कोलकाता की टीम चेन्नई के खिलाफ आंद्रे रसेल के अर्धशतक के बावजूद 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 108 रन ही बना सकी थी और चेन्नई ने इस लक्ष्य को 17.2 ओवरों में 3 विकेट होकर हासिल कर लिया था। दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली टीम उस समय मैच में शीर्ष क्रम के विफल रहने के बाद मध्य क्रम भी ढेर हो गई थी और अब दिल्ली के खिलाफ टीम को इससे बचना होगा। मैच में एक बार फिर सबकी नजरें रसेल बनाम कैगिसोर अर्बाडा पर होंगी। रसेल कोलकाता की ताकत बन गए। उनके दम पर टीम इस आत्मविश्वास में रहती है कि अगर वो हैं तो मैच जीत सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रबाडा इस समय लीग में 11 विकेटों के साथ सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर कायम है। दिल्ली में अपना पिछला मुकाबला जीतकर आत्मविश्वास से लबरेज है और टीम चाहेगी कि उसके बल्लेबाज यहां भी शानदार प्रदर्शन करे। गेंदबाजी में दिल्ली मजबूत है और उसके पास रबाडा के अलावा क्रिस मॉरिस, संदीप लामिछाने जैसे अच्छे गेंदबाज हैं। बात करें अगर दोनों टीमों की, दिल्ली की टीम में श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, पृथ्वी शाह, अमित मिश्रा, आवेश खान, हर्षल पटेल, राहुल तेवटिया, जयंत यादव, मंजोत काला, कॉलिन मुंडो, कागिसोर रबाडा, संदीप लामिछाने, ट्रेंट बोल्ट, शिखर धवन, हनुमा विहारी, अच्छर पटेल, ईशान शर्मा, नाथू सिंह, पॉलिन इंग्राम, कीमो पॉल, जलस सक्सेना और बंडारू अयप्पा शामिल हैं। वहीं कोलकाता की टीम में दिनेश कार्तिक, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, कॉलस ब्रथवेट, जो डेनली, लॉकी फर्ग्यूसन, क्रिस लिन, रॉबिन उथप्पा, हैरी गनले, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, नीतीश राणा, संदीप वारियर, केसी करियप्पा, शुभमान गिल, निखिल नायक, पृथ्वीराज और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। बात करें दोनों टीमों की तो कोलकाता का पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है आज, लेकिन दिल्ली भी चौंका देती है कभी कभी, तो आज कहना मुश्किल होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। आपको खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।